लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फोर्स का फॉर्मूला निकाला था एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए। आज हम यूनिट करेंगे, यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की जो यूनिट है आज हम वो करेंगे यहाँ पे। तो SI यूनिट जो है फोर्स की, SI यूनिट ऑफ फोर्स जो होती है वो होते हैं न्यूटन। न्यूटन जो है SI यूनिट होती है फोर्स की। तो वन न्यूटन को अगर हमें एक्सप्लेन करना है, वन न्यूटन, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे एफ इज इक्वल टू एम ए। तो मीनिंग अगर फोर्स हमने कंसीडर कर लिया वन न्यूटन, कब होगा? अगर हम मास को भी SI सिस्टम में कंसीडर करते हैं 1 kg और एक्सेलरेशन लेते हैं हम 1 m/s². मीनिंग क्या है? फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगा हुआ है, मान लो कोई बॉडी है जिसका मास m 1 kg है, और फोर्स इसके ऊपर लगाने से अगर इसके अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, 1 m/s² का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तब हम बोलते हैं जो फोर्स लगा हुआ, वो फोर्स कितना लगा है? 1 न्यूटन। यानी कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ 1 kg मास इज सेट टू बी 1 न्यूटन इफ इट प्रोड्यूसेस an acceleration of 1 m/s². मीनिंग क्या? किसी भी बॉडी के ऊपर जो फोर्स है उस फोर्स को हम 1 न्यूटन बोलेंगे। कब? अगर 1 kg की बॉडी के अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है ये? 1 m/s² का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। यानी कि यहाँ से अगर हम देखें देन 1 न्यूटन इज इक्वल टू मास की यूनिट होगी किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट हो गया m/s², ये भी यूनिट लिया, ये भी यूनिट लिया, यानी कि 1 न्यूटन जो है 1 kg m/s² के इक्वल आएगा। ऐसे ही हम इसकी CGS यूनिट भी कर सकते हैं। CGS यूनिट ऑफ फोर्स, और CGS यूनिट होती है इसकी डाइन। अब देखो न्यूटन की जगह हमने लिख दिया डाइन, और किल मास जो है अब हम कितना लेके चलेंगे, मास की यूनिट CGS सिस्टम में होते हैं ग्राम, और एक्सेलरेशन को हम पुट करेंगे यहाँ पे 1 cm/s², यानी कि दोनों की यूनिट हमने क्या रख दी है, CGS यूनिट रख दिया, मास की भी और एक्सेलरेशन की भी। तो 1 dyne जो यहाँ से आएगा दिस इज इक्वल टू 1 g/cm². तो इसमें से हम डेफिनेशन निकालेंगे विद फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 g इज सेट टू बी 1 dyne इफ इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 cm/s² इन इट। मीनिंग क्या है? फोर्स को हम 1 dyne तक बोलेंगे अगर वो 1 g मास की बॉडी के अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, 1 cm/s² का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, तब हम बोलते हैं इसको, ठीक है, तब हम इसको क्या बोलेंगे, 1 dyne बोलेंगे। तो डाइन में और इसमें हम जो है दोनों में न्यूटन में रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 dyne कितने न्यूटन के इक्वल आएगा ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। तो 1 न्यूटन का हमने लिखा है, 1 न्यूटन जो आया हमारे पास 1 kg/s². अब देखो 1 kg को हम लिख सकते हैं 1000 g, और 1 m को हम लिख सकते हैं 100 cm। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो 1 न्यूटन जो आएगा दिस इज इक्वल टू 1000 g × 100 cm × s²−2। तो ये आ जाएगा 50 हो जाएगी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं 10^5। अब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है डाइन के इक्वल,
तो यानी कि 1 न्यूटन जो आएगा दिस इज इक्वल टू 10^5 डाइन, या 1 डाइन जो आएगा दिस इज इक्वल टू 10^-5 न्यूटन। तो ये फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो, आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है। तो कुछ एप्लीकेशंस हम डिस्कस कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो एप्लीकेशन जो है सेकेंड लॉ के ऊपर बेस्ड है। ए क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड्स वाइल कैचिंग ए बॉल। अब देखो ये डायग्राम दिखाया गया, क्रिकेट प्लेयर जब बॉल को कैच करता है अपने हाथों को ऐसे पीछे की तरफ करता है, तो क्यों करता है? क्योंकि हमें पता है न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है दिस इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू dp/dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इफ़ द प्लेयर डज नॉट लोअर हिज हैंड्स वाइल कैचिंग द बॉल, अगर प्लेयर अपनी बॉल मीनिंग अपने हाथों को पीछे की तरफ नहीं करता है बॉल को कैच करते टाइम, द टाइम टू स्टॉप द बॉल इज़ वेरी स्मॉल। तो बॉल को स्टॉप करने का टाइम कम है। सो इसलिए जो है एज टू सो ए लार्ज फोर्स हैज़ टू बी अप्लाइड टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ द बॉल टू जीरो। यानी कि वेलोसिटी को जीरो करने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो इसका मीनिंग चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा बॉल का वो लार्ज है यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। व्हेन ए प्लेयर लोअर हिज हैंड द टाइम टू स्टॉप द बॉल इज इंक्रीज्ड, यानी कि जब वो हाथों को नीचे करेगा तो बॉल को स्टॉप करने का टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो आप ये इसको यहाँ से राइट कर सकते हो क्वेश्चन को, व्हेन ए प्लेयर लोअर हिज हैंड्स द टाइम टू स्टॉप द बॉल इज इंक्रीज्ड एंड हैंस लेस फोर्स हैज़ टू बी अप्लाइड टू कोज द सेम चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल, देयर फॉर द हैंड ऑफ द प्लेयर आर नॉट इंजरीड। इसका मीनिंग क्या है कि क्रिकेट प्लेयर जो है बॉल को कैच करने के लिए अपने हाथों को पीछे की तरफ क्यों करता है? क्यों करता है? ऐसा करके वो टाइम इंटरवल को बढ़ा देता है, जिससे कि टाइम अगर इंक्रीज होगा, देखो यहाँ पे dp/dt, अगर नीचे वाला फैक्टर इंक्रीज होगा इसका मीनिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज होगा, यानी कि फोर्स जो लगाना पड़ेगा बॉल को रोकने के लिए वो कम लगाना पड़ेगा। या इसका अपोजिट भी हम सपोज कर सकते हैं, बॉल जो है हमारे हाथों के ऊपर जो फोर्स लगाएगी वो कम फोर्स लगाएगी, जिससे हमारे हाथों में इंजरी भी जो होगी वो कम होती है। सेकेंड पॉइंट गिवन है, ए पर्सन फॉलिंग ऑन सीमेंटेड फ्लोर गेट इंजरीड बट ए पर्सन फॉलिंग ऑन ए हीप ऑफ सैंड इज नॉट इंजरीड। देखो एक पर्सन मान लो सीमेंट के फ्लोर के ऊपर पक्की फर्श के ऊपर गिरता है ऊपर से फ्लोर पर, तो उसको बहुत ज़्यादा चोट आती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल टू dp/dt, जब वो सीमेंटेड फ्लोर पर गिरेगा तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो लार्ज होगा, तो फोर्स जो लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एकदम से वो स्टॉप हो जाएगा, स्टॉपिंग टाइम जो है वो वेरी स्मॉल है, तो इसलिए उसको ज़्यादा चोट लगेगी। बट जब वो हीप ऑफ सैंड रेत के ढेर के ऊपर गिरता है तो उसके नीचे से जो जैसे ही वो गिरेगा तो रेत जो है थोड़ा सा साइड में सरक जाता है, जिससे उसका स्टॉपिंग टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो उसको अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज होगा तो फोर्स जो लगेगा वो भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए पर्सन जो है उसको इंजरी रेत के ढेर के ऊपर कम आएगी। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, व्हेन ए पर्सन फॉल ऑन द हीप ऑफ सैंड द सैंड यील्ड्स अंडर द वेट ऑफ पर्सन, यानी कि सरक साइड में सरक जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस पर्सन कम टू रेस्ट इन ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि पर्सन जो रेस्ट पे आएगा वो टाइम जो होगा वो ज़्यादा टाइम के बाद आएगा। सो द चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन लॉन्गर इंटरवल ऑफ टाइम एंड स्मॉल फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द बॉडी ऑफ द पर्सन व्हेन फॉल ऑन हीप ऑफ सैंड। इसलिए जब वो रेत के ढेर पे गिरेगा तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा और इंजरी भी क्या आएगी? कम आएगी। तो आजकल आप देखते भी हो, रेसलिंग भी देखते हो आप, रेसलिंग जो होती है वो आजकल गद्दों पे होनी शुरू हो गई है। तो उसका क्या फ़ायदा है? जब एक खिलाड़ी एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को नीचे गिराता है तो वो जो नीचे मैट यूज होता है वो मैट जो है फाइबर का होता है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है, जिससे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हो जाएगा और फोर्स भी क्या लगता है? कम। तो इसलिए इंजरी कम आती है। तो बहुत जगह यूज होता है इसका। थर्ड अगर हम देखें, ह्यूज डैमेज टू द मूविंग ट्रेन टेक प्लेस व्हेन इट सडनली कोलाइड विद ए स्टेशनरी ट्रेन। मीनिंग क्या है? ये कार का एग्जांपल दे, वो एक मूविंग कार जैसे किसी चीज़ के साथ टकराती है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के साथ, बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। तो ये डैमेज क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही कार स्ट्राइक करेगी तो उसका जो मोमेंटम में चेंज आएगा, लार्ज चेंज इन मोमेंटम आएगा कार का,
दिस लार्ज चेंज इन मोमेंटम जो है ये स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में होगा, और जिसकी वजह से जो रिटार्डिंग फोर्स लगेगा मूविंग ट्रेन के ऊपर या मूविंग कार के ऊपर वो बहुत ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से डैमेज क्या आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। फोर्थ क्वेश्चन की पार्ट गिवन है, द व्हीकल आर फिटेड विद शॉकर स्प्रिंग्स। आप ये बहुत डेली लाइफ में देखते हो, आप इवन जो है साइकिल लेके आते हो या मोटरसाइकिल घर पे है या स्कूटी घर पे, उनके अंदर शॉकर लगे होते हैं। तो वो शॉकर क्या काम करते हैं, वो जो है जो फोर्स ऑफ जर्क होता है, ठीक है, उसको कम करने के काम आते हैं। तो द फ्लोर ऑफ व्हीकल इज कनेक्टेड टू द लोअर पार्ट ऑफ व्हीकल बाई स्प्रिंग और शॉकर्स। यानी कि व्हीकल का जो हमारा क्या होता है, फ्लोर होता है, वो किसके साथ कनेक्टेड होता है, लोअर पार्ट के साथ, स्प्रिंग की या शॉकर्स की हेल्प से। जब व्हीकल जो है रफ रोड के ऊपर मूव करता है, द फोर्स ड्यू टू जर्क इज ट्रांसमिटेड टू द फ्लोर ऑफ व्हीकल थ्रू द शॉकर। शॉकर्स के थ्रू जो है फोर्स ट्रांसफ़र होता है, और शॉकर जो है टाइम इंटरवल को क्या कर देंगे, ट्रांसमिशन के फोर्स ट्रांसमिशन के टाइम इंटरवल को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे द फोर्स ऑफ जर्क टू रीच द फ्लोर ऑफ द व्हीकल, हैंस लेस फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय द पैसेंजर इन द व्हीकल। तो मीनिंग क्या है, जो पैसेंजर होते हैं उसके अंदर उनको झटके नहीं लगते हैं। अब आप एक ट्रेली में बैठ करके जाओ कहीं पे सड़क पे गड्ढे हो, और एक आप अपने कार में बैठ करके जाओ, तो आपको ट्रेली के अंदर थोड़ा सा भी डिस्टेंस जो है आप पास करना मुश्किल हो जाएगा, आपके पेट में दर्द होने लगेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ जर्क ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि ट्रॉली के अंदर जो है शॉकर नहीं लगे होते, जबकि बाइक पर या फिर गाड़ी के अंदर जो है शॉकर लगे होते हैं, जिसकी वजह से आप वहाँ से भी इजीली मूव कर पाते हो। फिफ्थ पार्ट गिवन है यहाँ पे, इसके बाद आवर हैंड हर्ट्स मोर व्हेन वी हिट द वॉल देन व्हेन वी हिट ए स्पंग सीट ऑफ कार। यानी कि क्या है, हमारे हाथों पे ज़्यादा चोट लगती है अगर हम दीवार में हिट करें। देखो, मैं बेंच पे हिट करता हूँ अगर हाथ को चोट लगे, क्यों लगती है, क्योंकि वो हार्ड है। जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे, टाइम इंटरवल जो है हमारे हाथों का रेस्ट पे आने का वो स्मॉल होगा, और लार्ज चेंज इन मोमेंटम होगा इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। इसलिए हमारे हाथों के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा। और जबकि कार की सीट जो है, जैसे ही हम उसके ऊपर हिट करेंगे हाथ से अपने, वो बैठ जाएगी नीचे की तरफ, जिससे टाइम इंटरवल जो है हाथ का स्टॉप होने का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो फोर्स भी क्या लगेगा, कम लगेगा। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम गिवन है हमारे पास, एक कराटे प्लेयर ब्रेक द पाइल ऑफ ए टाइल ऑफ टाइल्स और ब्रिक्स विद ए सिंगल ब्लो। ये देखो, यहाँ पे ये दिखा रखा है डायग्राम के अंदर, कराटे प्लेयर जो है यहाँ पे टाइलें रखी हुई है और उसको एक सिंगल ब्लो के साथ ब्रेक कर देता है। तो वो कैसे ब्रेक कर देता है, तो कोई भी कराटे प्लेयर जब हिट करेगा, एकदम से हिट करेगा, तो टाइम टेकन टू स्ट्राइक द पाइल ऑफ टाइल इज़ वेरी स्मॉल। तो चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ कराटे प्लेयर जो होगा, तो मोमेंटम ऑफ द हैंड ऑफ कराटे प्लेयर रिड्यूस टू जीरो व्हेन द हिज हैंड स्ट्राइक द पाइल ऑफ टाइल्स इन वेरी स्मॉल इंटरवल। मीनिंग जैसे ही कराटे प्लेयर ऐसे हिट करेगा, तो मोमेंटम एकदम से जीरो, और वो वेरी स्मॉल टाइम में जीरो होगा, इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, लार्ज होगा। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लार्ज होगा, तो फोर्स लगा करके एकदम से बहुत सारे टाइलों को जो है ब्रेक किया जा सकता है। तो इसके बाद नेक्स्ट गिवन है सेवन्थ जो है, ए बॉक्सर मूव हिज हैड बैकवर्ड व्हेन हिज ओपोनेंट ब्लोज ए पंच। आपको भी कोई ऐसे मारता है तो आप पीछे की तरफ हो जाते हो एकदम से। इवन टीचर भी कई बार हो जाता है ऐसा कि थोड़ा सा हाथ उठा दे आपकी तरफ, तो आप अपने फेस को पीछे की तरफ करते हो। ऐसा क्यों होता है, ऐसा करने से क्या होगा, जैसे ही प्लेयर पीछे की तरफ जाएगा, तो चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ पंच जो कि स्ट्राइक करना था उसके फेस के ऊपर दूसरे प्लेयर के, उसका टाइम इंटरवल बढ़ जाता है, जिससे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हो जाएगा। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम होगा, जैसे ही वो बैकवर्ड जाएगा, तो इसका मीनिंग फोर्स भी जो है वो भी कम लगेगा। तो यानी कि फोर्स का इम्पैक्ट जो है, पंच का जो इफेक्ट है, जो कि फोर्स है, वो कम होगा। अब नेक्स्ट गिवन है एट्थ, बोन्स ऑफ ए पर्सन आर फ्रैक्चर्ड इन एन एक्सीडेंट। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो हड्डी टूट जाती है, अक्सर ऐसा होता है। आप इवन जब आप बाइक से मूव करते हो, एकदम से ब्रेक लगाने पड़ जाएं, तो आप आगे की तरफ गिरते हो जाके, और ज़्यादातर चांस क्या होता है, आपकी जो
गर्दन के पास की हड्डी होती है वो टूट जाती है, या आपकी अगर साइड में गिरते हो टांगों की हड्डी गिर जाती है, टूट जाती है, कई बार बाजू की हड्डी टूट जाती है। तो इसका रीज़न क्या है भी, जैसे ही एक्सीडेंट होता है एकदम से स्ट्राइक करते हैं तो चेंज इन मोमेंटम जो है बहुत ज़्यादा होता है, पर्सन का फाइनल मोमेंटम एकदम से स्मॉल इंटरवल में जीरो हो जाता है, जिससे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, लार्ज, और ज़्यादा फोर्स लगेगा पर्सन के ऊपर, और इस फोर्स के इम्पैक्ट की वजह से हड्डियाँ जो है वो ब्रेक हो जाती है। तो ये कुछ हमारे पास जो है सेकंड लॉ की एप्लीकेशन थी। डेली लाइफ में आप और भी बहुत सारे एग्जांपल देखते हो जहाँ पे सेकंड लॉ का यूज होता है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ एप्लीकेशन डेली लाइफ में जो आप देखते हो अपने अराउंड, उनको ऑब्जर्व करिए और लिखने की कोशिश करिए, और उसको सेकंड लॉ से जो है रिलेट करिए। कम से कम दो ऐसे केस आप राइट करोगे जहाँ पे न्यूटन के सेकंड लॉ का यूज होता है, यानी कि एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का यूज आपको दिखाई देता है, तो आप उसको राइट करोगे। तो आपने अक्सर देखा होगा कांच के जो बर्तन होते हैं, आप शॉप से मान लो कांच के गिलास लेके आते हो, वो डब्बे में पैक होते हैं, वो थर्मोकोल के डब्बे में पैक होते हैं, या आप कोई भी घर पे सामान लेके आते हो, जैसे चाइना डिश है, प्लेटें होती है, पत्थर जैसी प्लेटें आती है चाइना मिट्टी से बनी हुई, या फिर आपकी टॉयलेट सीट जो है जब उसको लेके आते हो तो वो स्ट्रो के अंदर लिपटी होती है, तो वो स्ट्रो के अंदर क्यों लिपटी होती है, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है कि जब हम कोई भी टॉयलेट सीट लेके आते हैं तो वो स्ट्रो के अंदर लिपटी होती है, घास फूस जो है उसके अराउंड रैप करके रखते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं। तो इसका आंसर आप अपनी कॉपी में लिखोगे,